हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको स्टेम सेल्स इन न्यूबॉर्न बेबी के बारे में बता रही हूँ। बिफोर दैट, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो गाइस, जब हम फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनने वाले होते हैं तो हम सब यही चाहते हैं कि से हमारा बेबी हेल्दी हो, फ्यूचर में उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होता भी है तो हम स्टेम सेल्स प्रिजर्व करके बेबी को हेल्दी रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज स्टेम सेल स्टोरेज। हम सब जानते हैं कोशिका हमारे जीवन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, और ये छोटी छोटी कोशिकाएं विभाजित होकर मानव शरीर को बनाती है। शरीर में जितनी जितनी डिफरेंट डिफरेंट कोशिकाएं होती है, लाइक नर्व सेल्स होती है, कार्डिक सेल्स, लीवर सेल्स, मसल सेल्स, इवन जो हमारा ब्लड भी होता है, वो ये सब स्टेम सेल्स से ही मिलकर बनती है। जब शिशु गर्भ में रहता है तो वह अपनी माँ से गर्भनाल द्वारा जुड़ा रहता है। यहाँ से ही उसे ऑक्सीजन मिलता है और अदर न्यूट्रिशंस मिलते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट स्टेम सेल्स शिशु में होती है वो गर्भनाल अम्बिलिकल कोड ही होती है। जब बेबी जन्म लेता है तो ये गर्भनाल वेस्ट बन जाती है, बट आफ्टर रिसर्च ये प्रूव हो चुका है कि अम्बिलिकल कोड में जो ब्लड रह जाता है उस कोड ब्लड के अंदर बेहद महत्वपूर्ण कोशिकाएँ होती है, उन्हें ही हम स्टेम सेल्स कहते हैं। इन स्टेम सेल्स को डिवाइड करके हम रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, या हमें जिस टाइप की सेल्स चाहिए होती है या हमें जिस जगह चाहिए होती है, हम वो डेवलप कर सकते हैं। इन स्टेम सेल्स से हम डायबिटीज़, थैलेसीमिया, हार्ट डिजीज, रक्त रोग, बहुत प्रकार के कैंसर जैसे 80 तरह की गंभीर बीमारियों के लिए उपयोग में ले सकते हैं। बट इसके लिए स्टेम सेल्स जिसका होता है उसी के काम आ सकता है। 25% चांस होते हैं कि ये उसके सिबलिंग से मैच हो जाए। कोड ब्लड निकालते समय माँ और बच्चे दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मात्र 10 मिनट की ये प्रोसेस होती है। उसमें अम्बिलिकल कोड से कोड ब्लड निकाल कर प्रिजर्व करते हैं और 48 घंटे के अंदर ही इसे कोड ब्लड बैंक में पहुँचाना जरूरी है, और वहाँ पर इसे विशेष विभाग में, विशेष केमिकल्स में काफ़ी सालों तक संरक्षित किया जा सकता है। इसके लिए आपको डिलीवरी के पहले डॉक्टर की सलाह लेकर अपना नेम रजिस्टर करना होता है, और डिलीवरी के टाइम आपको ये किट ले जाना होता है। सो गाइज, अगर फाइनेंशियली आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं तो गो फॉर इट।